नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, यानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। मैंने लास्ट इतने एपिसोड्स के अंदर बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करी हैं रिलेटेड टू जेमोलॉजी, रिलेटेड टू आपको मैंने बताया है कि विच मेटल इज गुड फॉर यू एंड आप कौन से मेटल के अंदर यानी धातु के अंदर रत्नों को डालते हैं, और बहुत ऐसी चीजें बताई हैं जिसमें मुहूर्त भी बताए हैं। और उसी के साथ मैंने बार बार बोला है कि सर्टिफाइड जेम्स होने चाहिए, अन्यथा कहीं ना कहीं आप ऐसे रत्नों के शिकार हो जाएंगे जो चाइनीज हैं, फेक हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पैदा करेंगे। तो दोस्तों ये जो हमारी सीरीज चल रही है, जैसे मैंने लास्ट भी बोला था कि कॉन्टिन्यूसली आपको 10 ऐसी टिप्स बताई जा रही हैं कि जब आप जेम्स लेने जा रहे हैं मार्केट के अंदर, खरीदने जा रहे हैं, आपको रेकमेंड कर दिया गया है, आपको एक्सपर्ट ने बता दिया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ आपको जेम बताया है, उसकी बारीकियां बिल्कुल नहीं बताई। वो बारीकियां कौन सी हैं वो इन एपिसोड्स के अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग बताया जाएगा, ताकि आप गलत रत्नों के शिकार ना हो जाएं, ताकि आपको ये ना लगे कि हमने अपने लिए रत्न लेना था, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए लेना था, और कहीं ना कहीं जाने अनजाने हमने पैसे भी पे कर दिए और चीज भी गलत लेकर आ गए। तो दोस्तों ये जो सीरीज है, ये जो एपिसोड्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल चैनल। ये आपको ईच एंड एवरीथिंग इसमें बताया जाएगा, लेकिन आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इस चैनल को आपको देखना पड़ेगा, ताकि आप जो पिछले एपिसोड मिस कर चुके हैं उन एपिसोड्स के बारे में भी आपको पता लग जाए। उसमें इतना डेप्थ बताया गया है आपके होरोस्कोप के बारे में, पामिस्ट्री के बारे में, कौन से रत्न, क्या रत्न, यानी टोटल नंबर ऑफ रत्न तो है 1074। मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं 1074। इसके अंदर सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी हैं, रॉक पत्थर भी हैं, और 9 ग्रहों के नगीने भी हैं। तो दोस्तों इधर उधर की बातें ना करते हुए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों आज का जो हमारा एपिसोड है यह है मैट्रिमोनियल लाइफ के ऊपर, यानी विवाहित सुख। इसका कौन से ग्रह के साथ बहुत ही गहरा रिलेशन है, क्या कोई ऐसा प्लेनेट है जो वाकई ही आपकी जिंदगी के अंदर बहुत अच्छा हर प्रकार से मैट्रिमोनियल लाइफ आपकी बहुत अप कर दे, बढ़िया कर दे, इजी कर दे, तो बात करेंगे इस एपिसोड के अंदर, बात करेंगे ग्रह की, बात करेंगे उसके उपाय की, बात करेंगे उनके रत्नों की। तो सबसे पहले बात करते हैं शुक्र ग्रह की। वैसे तो बोला जाता है कि शादी होना मंगल से रिलेटेड है, और शादी का सुख भोगना वो शुक्र ग्रह से रिलेटेड है। वीनस के बारे में, यानी शुक्र को इंग्लिश में वीनस बोला जाता है, वीनस के बारे में बोला गया है लव, प्यार, रोमांस, मैट्रिमोनियल लाइफ, ऐसी बहुत सारी चीजों के अंदर इसकी एक बहुत अहम भूमिका है। वीनस, जैसे मैंने आपको बताया है, शुक्र ग्रह यानी शुक्राचार्य बहुत ही प्रभावी, बहुत ही तेज, बहुत ही फास्ट प्लेनेट है। अब चलते हैं कुछ ऐसी चीजों के अंदर, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि ये जो एपिसोड है इसका मॉरल क्या है, ये जो एपिसोड है ये वाकई आपकी जिंदगी के अंदर क्या ऐसी को रोल अदा करेगा जिससे अगर आप पीड़ित हैं तो वो प्रॉब्लम से आप निजात पाएंगे और बाहर आ जाएंगे। देखिए मैंने अभी आपको बताया है वीनस, वीनस एक ऐसा प्लेनेट है जो अगर आपके हक के अंदर, यानी आपके चार्ट, आपकी कुंडली, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अगर ये आपकी कुंडली के अंदर प्रधान प्लेनेट बन जाए, यानी लॉर्ड बन जाए, जब आपकी राशि वीनस से रिलेटेड हो जाए, जब विवाहिक सुख के बॉक्स के अंदर बहुत अच्छा बैठ होकर बैठ जाए,
तो जिंदगी में कभी भी आपको ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ये प्रॉब्लम आती क्यों है? अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन तीन प्लेनेट मैं बताने जा रहा हूं। एक, शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन हो जाना। दो, शुक्र सूर्य का कॉम्बिनेशन हो जाना। तीन, शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन हो जाना। ये तीन ऐसे कॉम्बिनेशन है जो वाकई में धज्जियां उड़ा देंगे वैवाहिक सुख की। ये तीन इतने भयानक कॉम्बिनेशन है जो हाथ खड़े करवा देंगे। ये तीन ऐसे भयानक कॉम्बिनेशन है जो आपकी जिंदगी के अंदर, वैवाहिक सुख के अंदर बहुत बड़े खड्डे खोद देंगे। तो बचना कैसे है, क्या ऐसे रास्ते हैं जिसको हम फॉलो करेंगे हमारी जिंदगी सुखद, बहुत आसान, बहुत इजी हो जाएगी। मोस्टली क्या होता है, जब हम शादी करते हैं तो कुंडलियों की मैच मेकिंग हम करवाने से बचते हैं कि भैया ना करवाना पड़े, या कुछ ऐसे पंडित के पास चले जाते हैं, पुरोहित के पास चले जाते हैं, या कुछ ऐसे ज्योतिषी के पास चले जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताते हैं कि वाकई बहुत अच्छा है, मैच मेकिंग कर रही है, 36 में से 18, 20, 22 गुण मिल रहे हैं, 28 गुण मिल रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि शुक्र मंगल, शुक्र राहु, शुक्र सूर्य का कॉम्बिनेशन इन दोनों कुंडलियों के अंदर कौन से ऐसे भयानक विस्फोट करेगा, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में मैं बता देता हूं ताकि आपको और इजी हो जाए। अगर यह कॉम्बिनेशन आपकी भी कुंडली में है तो सबसे पहले आप समझ के चलिएगा कि दोनों के अंदर लड़ाई झगड़ा कला क्लेश खत्म नहीं होगा। नंबर दो पे छोटी छोटी बात को लेके ईगो क्लैश होगी आपकी, यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नंबर तीन पे आप कभी भी किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में आके कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे आपका घर का वातावरण खराब हो जाएगा, यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दोस्तों, बातें ज्योतिष की बहुत, इसके नियम है, इसका कोई अपना मापदंड है, ये आज नहीं लिखी गई बातें हैं, ये हजारों लाखों साल पहले हमारे ग्रंथों के अंदर बता दिया गया है कि वीनस क्या भूमिका निभाता है अपनी, आपकी जिंदगी के अंदर। चलो एनी हाउ, ये तो चीजें चलेंगी। अब अगर आप पीड़ित हैं, अगर आप इस चीज को दुख भोग रहे हैं, ये होंगी कब, मैं ये भी जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब फटाफट चार्ट लोग उठाएंगे, अपना देखेंगे, तो सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम का सामना कब करना पड़ेगा, जब आपको शुक्र की महादशा लग जाएगी, जब आपको राहु की महादशा लग जाएगी, जब आपको सूर्य की महादशा लग जाएगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन है, इनमें से किसी एक की भी महादशा लग गई तो लेने के देने पड़ जाने। अगर शुक्र राहु है तो जरूरी थोड़ा शुक्र की लगनी है, राहु की लग गई तब भी शुक्र पीड़ित है। शुक्र सूर्य है तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सूर्य की महादशा लग गई तो भी प्रॉब्लम आएगा। शुक्र मंगल है तो मंगल की महादशा लग गई तो भी शुक्र पीड़ित हो जाएगा। ये बहुत एक डीप साइंस है, इसको समझना पड़ेगा, इसके ऊपर बहुत आपको गहरा अध्ययन करना पड़ेगा। कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसी रेमेडीज, कुछ ऐसे रत्न इस एपिसोड के अंदर आपको बताए जाएंगे जो आप फॉलो करेंगे और रिजल्ट आएगा, बहुत गारंटी के साथ आएगा। सबसे प्रथम जो रत्न है शुक्र का, वह डायमंड, हीरा, वशीकरण शक्ति है इसके अंदर, बड़े बड़े लोगों को अपनी ओर मोह लेता है। बोला जाता है कि इसके अंदर एक ऐसी मैग्नेट पावर है, ना चाहकर भी लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। जब हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही समय के अंदर, एक ही धातु के अंदर पूजा करवा के, शुद्ध करवा के, एस्ट्रोलॉजिकल डायमंड, मैं फिर से बता दूं, यहां पे लोग ज्वेलरी डायमंड को एस्ट्रोलॉजी डायमंड के साथ जोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकल डायमंड इज ए डिफरेंट डायमंड, वो अलग है। पहन लेंगे तो मैं लिख के दे दूंगा
ऐसी मैग्नेट पावर पैदा हो जाएगी बॉडी के अंदर जो हैरान हो जाएंगे आप। इतना छोटा सा रतन और इतने बड़ा फायदा, हाउ टू पॉसिबल। यही करामात है, यही चमत्कार है रत्नों का दोस्तों। अब उपाय की तरफ चलते हैं, छोटे छोटे उपाय, दो तीन उपाय बताऊंगा ताकि आपको इसमें लाभ, आपको इसमें फायदा मिलना शुरू हो जाए। परफ्यूम हद से ज्यादा लगाना शुरू कर दें। हाथ और पैर कोशिश करें बहुत ज्यादा क्लीन रखें, बहुत ज्यादा साफ रखें इनको। ये शुक्र का उपाय है। परफ्यूम आप एवरीडे यूज करें, ये ना सोचें कि नहीं लगाना है। अच्छा ब्रांडेड परफ्यूम, इत्र भी लगा सकते हैं। अगर आप परफ्यूम नहीं लगाना चाहते तो आप इत्र का भी यूज कर सकते हैं। नंबर तीन पे चलते हैं। एक सुयोग्य ब्राह्मण को आपने कुछ चीजों का दान करना है शुक्रवार के दिन। दान है क्या? चावल है, चीनी है, इसका दान करें, दूध का दान है। ब्राह्मण को धोती कुर्ता सफेद कलर का लेके दे दें और साथ में दक्षिणा और कुछ फल। एकदम से जो लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा बवंडर सा मचा हुआ है थम जाएगा। अगर आपका रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच चुका है तो थम जाएगा, रास्ते निकलेंगे, कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग होगा और एक सफलता की तरफ आप जाना शुरू हो जाएंगे। अभी ये जो मैंने आपको उपाय बताए हैं इसे बहुत लंबे समय तक करना है। देखिए हीरा पहनेंगे, अच्छा हीरा 14 साल चलता है। परफ्यूम वो तो आपके हाथ में है, एवरीडे यू कैन यूज। अब बात करते हैं जो पंडित जी को उपाय देना है, सामान देना है, दान देना है, वह महीने में एक बार कर लें, दो बार कर लें, बहुत फायदा, बहुत फर्क आपके सामने नजर आना शुरू हो जाएगा। गौ सेवा भी करें, गौ को चावल जरूर खिलाएं, पानी में भिगो लें चावल, 2-4-5 kg चावल लेके राइस, उसको पानी में भिगो लें, 15-20 मिनट पानी में भिगे रहेंगे, उसके बाद आप गौ को फ्राइडे के दिन या संडे के दिन डाल दें। रिजल्ट ओरिएंटेड आएगा, पक्का आएगा। उपाय छोटे हैं लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं। तो दोस्तों आया मजा, ये जो पूरा एपिसोड आपने देखा है। तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं आपको करना क्या पड़ेगा, इस तरफ देखिएगा, ये नंबर आप देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, वॉइस कॉल नंबर भी है। नंबर है 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर फॉर यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। अगेन मैं आपको बता दूं, ये वो नंबर है जो आपकी वाकई बहुत हेल्प करेगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं तो ये नंबर आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप कहीं पे भी हो, किसी स्टेट में, किसी कंट्री में आने की जरूरत नहीं है। आपने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम और आपको प्रोसीजर आ जाएगा। उस प्रोसीजर को फॉलो करिएगा, हमारी पेड सर्विसेज हैं। मैं फिर से बता दूं दोस्तों, एक और चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आपने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है तो आप पामिस्ट्री द्वारा दोनों हाथों की लकीरों की फोटो, मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं, हस्त रेखाओं द्वारा भी जान सकते हैं कौन सा रतन, कौन से उपाय आपके लिए और आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए बने हैं। तो दोस्तों बिल्कुल देरी ना करें, अभी के अभी इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ें और आपको प्रोसीजर आएगा, अपॉइंटमेंट टाइम मिलेगा, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, अभी के अभी YouTube चैनल, Twitter, Insta, Facebook, ऑल FM, ऑल TV चैनल्स के ऊपर आपने फॉलो करना है बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं दोस्तों, ये जो चैनल है जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऑल का बटन आएगा, ऑल के ऊपर क्लिक करिएगा ताकि पुराने जितने भी एपिसोड हैं जो आप मिस कर चुके हैं वो आपको सारे के सारे शो हो जाएं। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।